गुड मॉर्निंग किड्स, होप यू ऑल आर वेल। सो अभी हमारी वापस से क्लासेस स्टार्ट हो गई है ना, अभी हम लोग वापस पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम्स के बाद में, राइट? लास्ट वीक तो आपने एग्जाम्स दिए तो हमने कोई भी क्लास नहीं की थी ना। यस, सो टुडे इज ट्यूजडे एंड टुडे वी हैव अवर मैथ्स क्लास। ऑन ट्यूजडे वी हैव अवर मैथ्स क्लास ना, है ना? आप सबको याद होगा कि ट्यूजडे को हम लोगों की मैथ्स की क्लास होती है। एंड टेल मी व्हाट वी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लासेस। हमने जब एग्जाम्स की पहले वाली जो क्लासेस थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? वेरी गुड, वी हैव लर्नड अबाउट शेप्स, राइट? तो हमने कौन कौन से शेप्स पढ़ लिए थे? वी हैव लर्नड अबाउट रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल पढ़ा था शेप, राइट? रेक्टेंगल में हमने क्या पढ़ा था? जिसमें टू ऑपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल होती हैं, है ना? रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स, बट उसमें कंडीशन ये होती है कि जो रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स होंगी लाइक आमने सामने की, वो हमेशा कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। और मैम ने आपको इसका ब्लैकबोर्ड का भी एग्जाम्पल दिया था ना, ये जो बोर्ड है आपका इट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, राइट? एंड वी हैव लर्नड अबाउट स्क्वायर, राइट? याद है ना बच्चों को, हमने स्क्वायर के बारे में भी पढ़ा था। और मैम ने आपको चेस बोर्ड, बिस्किट, ब्रेड, इन सभी का एग्जाम्पल दिया था ना, है ना? अ स्क्वायर हैज फोर इक्वल साइड, सभी बच्चों को याद है ना? आई एम श्योर आपको याद होगा। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अ न्यू शेप। ओके, आज हम एक नया शेप पढ़ने जा रहे हैं, सो दैट इज ट्रायंगल। दिस शेप इज ट्रायंगल। ओके, अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स, अ ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स। ओके, वन टू एंड थ्री। देखिए किसी भी ट्रायंगल शेप में थ्री साइड्स होंगी। ओके, वन टू एंड थ्री। ओके, सो आपको समझ आया होगा ना? नाउ टेल मी अबाउट सम शेप्स। ओके, कैन यू टेल मी? आपने देखा है कि कौन सी चीजें होती हैं ट्रायंगल शेप की? नाउ लुक एट द बोर्ड। सी, आई हैव ड्रॉन अ पिक्चर ऑफ पेस्ट्री। मैम ने यहां पर किसकी पिक्चर बनाई है? पेस्ट्री। पेस्ट्री जो केक की तरह होती है ना, पेस्ट्री ट्रायंगल शेप की होती है, है ना? देखिए, दिस इज अ पेस्ट्री एंड इट ऑल्सो हैज थ्री साइड्स, वन टू एंड थ्री। पेस्ट्री की भी थ्री साइड्स है ना, तो पेस्ट्री का शेप कौन सा हुआ? ट्रायंगल। वेरी गुड। सो नाउ लुक एट दिस, दिस इज अ हैंगर। हैंगर देखा है आपने, घरों में हम क्लोथ्स को हैंग करने के लिए जो यूज करते हैं उसको आपने देखा होगा, क्या बोलते हैं हम? हैंगर। पापा कोट पैंट ये सारी चीजें हैंग करते हैं ना, और मम्मा भी अपनी साड़ियां हैंग करती हैं। तो अलमीरा में आप देखिएगा जो आपका हैंगर होता है वो भी ट्रायंगल होता है, बिकॉज इट ऑल्सो हैज थ्री साइड्स। देखिए, वन टू थ्री, वन टू थ्री। तो जिस भी चीज में थ्री साइड्स होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। ओके, नाउ लुक एट दिस। देखिए आपको पहचान में आ रहा है क्या ये? वेरी गुड, दिस इज अ समोसा। समोसा स्नैक्स में आते हैं ना, और समोसा भी किस शेप के होते हैं? ट्रायंगल शेप के होते हैं। ओके, सो इट ऑल्सो है, सो ये भी ट्रायंगल है। ओके, नाउ लुक एट दिस, दिस इज अ फेवरेट। ये देखिए कि किड्स का फेवरेट होता है, क्या है ये? व्हाट इज दिस? कैन यू रिकॉग्नाइज? यस, दिस इज अ पिज्जा स्लाइस। ये पिज्जा की स्लाइस है। आपने देखा होगा जो पिज्जा आता है उसकी जो स्लाइस
कैसी होती है? ट्रायंगल शेप की। नेक्स्ट टाइम जब भी आपके घर में पिज्जा या पेस्ट्री ये सारी चीजें आएंगी, देन डू वॉच देम एंड रिकॉग्नाइज देम, दे आर इन ट्रायंगल शेप। ओके, सो नाउ लुक एट दिस, दिस इज अ सैंडविच। आपने देखा होगा जो वेज सैंडविच आता है वो भी किस शेप का होता है? ट्रायंगल शेप का होता है। ओके, सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रायंगल शेप। ओके किड्स, नाउ ओपन योर बुक एंड वी विल गो थ्रू द बुक। सो किड्स, नाउ यू नीड टू ओपन योर मैजिक स्टेप्स बुक एंड इन प्री न्यूमरेसी सेक्शन ओपन पेज नंबर 86। ओके, कम ऑन पेज नंबर 86। देयर यू विल फाइंड अ टॉपिक, आई एम अ ट्राइंगल। टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ट्राइंगल, राइट? आज हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। सो लुक एट दिस, दिस इज अ ट्राइंगल शेप। See, it has three sides, 1, 2, and 3. As I have told you on board also, मैम ने आपको बोर्ड पे भी बना के दिखाया था ना ट्राइंगल, और मैम ने बताया भी है कि ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती हैं, 1, 2, 3. ओके, सो जिस भी चीज में आपको थ्री साइड्स दिखेंगी वो क्या होगा? ट्राइंगल शेप होगा। ओके, नाउ लुक एट दिस हैंगर, मैंने आपको बोर्ड पर भी बनाकर दिखाया था ना, ये है ना जिसपे हम क्लोथ हैंग करते हैं। सो दिस हैंगर इज ऑल्सो इन ट्राइंगल शेप एंड दिस इज अ सैंडविच। ओके, दिस सैंडविच इज ऑल्सो अ ट्राइंगल एंड दिस इज अ साइन बोर्ड। लुक एट दिस, सी बेबी ऑन बोर्ड। तो जब भी किसी भी जगह पर बेबीज होते हैं तो हम ये वाला साइन बोर्ड लगा देते हैं, सो दैट कि लोगों को समझ आ जाता है। ओके, कि बेबी ऑन बोर्ड। ओके, नाउ लुक एट दिस समोसा, दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल। समोसे की भी थ्री साइड्स होती है ना, 1, 2, and 3। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्राइंगल शेप। ओके किड्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे।